नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे जिस सेक्टर में अभी काफी ज्यादा तेजी देखने मिला, जैसे शुगर सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया। इस वीडियो में हम शुगर सेक्टर के आपको बेहतरीन स्टॉक 5 स्टॉक बताने जा रहे हैं जिसमें काफी तेजी है। इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जैसे 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, जब तक तेजी रहे तब तक बने रहना है, फिर प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना है। तो इस तरह के स्टॉक्स में, क्योंकि इस सेक्टर में जो है आपको कभी गिरावट देखने मिलेगा तो काफी ज्यादा तेजी देखने मिलेगा, तो काफी ज्यादा जैसे अभी भयंकर तेजी है, सारे के सारे स्टॉक काफी तेजी से दौड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप इस तेजी का फायदा ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए चाहें तो उस लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उतना बेस्ट स्टॉक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी मार्केट में गिरावट भी होगा तो वैसे हम सेक्टर लीडर के साथ जब रहते हैं तो बेहतरीन होता है। यहाँ पर तो सेक्टर लीडर भी स्मॉल कैप, लार्ज कैप कोई स्टॉक नहीं है जिस जो कि मार्केट में सस्टेन कर सके गिरावट में। देखिए, पहला स्टॉक है EID पैरी लिमिटेड, काफी बेहतरीन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइस जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा लोअर प्राइस होना चाहिए जब मार्केट में गिरावट आता है। करंट प्राइस है 438 रुपीज, और 1 ईयर में देखिए काफी बेहतरीन तेजी देखने मिला है, 96% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में भी चार्ट इस स्टॉक का काफी सॉलिड है, लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छा रिटर्न क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को। देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में चार्ट काफी ज्यादा अप और डाउन साइकिल में रहते हैं। अगर आप जो है अपने पोर्टफोलियो को बढ़ते हुए घटते हुए देखने से थोड़ा दिक्कत महसूस होता है तो फिर ये स्टॉक आपके लिए नहीं, क्योंकि एक बार जब ये ऊपर जाएगा आपका पोर्टफोलियो साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मतलब काफ़ी रिटर्न देगा, जब नीचे आएगा तो वही रिटर्न आपका काफ़ी कम हो जाएगा, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। तो अपने मार्केट के साथ अगर पैनिक सिचुएशन में रहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहता है जो साइकिल वाइज प्रोसेस है। अगर बात करें इस कंपनी के तो देखिए मार्केट का कैप जो है कंपनी का वो है 7,700 करोड़ का, डेट जो है कंपनी के ऊपर 4,300 करोड़ का, और प्रमोटर्स का होल्डिंग 44% है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लेज परसेंटेज 0.01% है, काफ़ी कम है प्लेज परसेंटेज। फ्री कैश फ्लो 1,621 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। रिजर्व सरप्लस की बात है 3,041 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा डेट ज़्यादा है। इस सेक्टर के सारे स्टॉक के ऊपर आपको ज़्यादातर डेट देखने मिलेंगे। उसके बाद अगला है बलरामपुर चीनी मिल्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है इस सेक्टर के, 348 रुपीज करेंट प्राइस है, 1 ईयर में देखिए 159% की तेजी देखने मिल रहा है। मैक्सिमम में चार्ट करें तो मैक्सिमम में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉक देखिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया। उसके बाद 180 का प्राइस जो है उस इस बार जाके क्रॉस हुआ है, देखिए 2004 के बाद इस बार जाके क्रॉस हुआ है, तो इतना पैनिक सिचुएशन में डालता है कि स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखिए तो काफ़ी बेहतरीन दिया है 4,500% का। लेकिन ये स्टॉक जो होते हैं साइकिल प्रोसेस चलते हैं, अप साइकिल डाउन साइकिल देखते हैं, अप साइकिल डाउन साइकिल, तो जब आप साइकिल में है तो उस समय तेजी का फायदा उठा सकते हैं। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है, तो हो सकता है अभी थोड़ा अवॉइड भी आप कर सकते हैं, या अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एकदम स्टॉप लॉस रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये जो पिछला हाई था उसको भी यहाँ पर ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से जैसे मूवमेंट पकड़ता है तो आप यहाँ पर इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और जस्ट ये जो कंसोलिडेट हो रहा है इस प्राइस के नीचे, मतलब 340 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 7,491 करोड़ का मार्केट कैप है, वहीं कंपनी के ऊपर डेट की बात करें 1,482 करोड़ का डेट है, और जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें 41% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, फ्री कैश फ्लो 595 करोड़ का है, और रिजर्व सरप्लस 2,295 करोड़ का है, तो हर पैरामीटर पर काफ़ी अच्छा है। अगर मतलब रेटिंग की बात है 100% यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि आप इस स्टॉक को बाय करते हैं, काफ़ी मतलब तेजी है इस स्टॉक में, कई सालों का जो रेसिस्टेंस लेवल है उसको इस सेक्टर के सारे स्टॉक ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट है वो आपको बाय करने की ही सलाह देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला जो है आंध्रा शुगर, ये करेंट प्राइस है 434 रुपीज, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन, 1 ईयर में 75% का रिटर्न दिया है, मैक्सिमम ईयर में देखेंगे तो मैक्सिमम ईयर में भी काफ़ी सॉलिड रिटर्न 1,593%। अभी भी ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है, ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है, देखते हैं ऑल टाइम हाई है 715 ऑल टाइम हाई, अभी भी यहाँ से लगभग देख सकते हैं काफ़ी कम है, 300 रुपीज पीछे अपने ऑल टाइम हाई से, तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस स्टॉक में अभी भी ऊपर जाने का। अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है, 260 करोड़ का मात्र डेट है, मार्केट कैप 1,175 करोड़ का, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है,
प्रमोटर्स होल्डिंग 47%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है 129 करोड़ का और रिजर्व सरप्लस 1110 करोड़ का है। तो मतलब हर पैरामीटर्स को देखने कंपनी काफी अच्छी दिख रही है। वहीं चौथे नंबर पे है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, करंट प्राइस 186 रुपीज और ये स्टॉक देखिए वन ईयर में 265% की रैली कर चुका है। अगर मैक्सिमम ईयर बात करें तो मैक्सिमम ईयर में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 31,000% का रिटर्न, तो देखते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो इस सेक्टर के सारे स्टॉक लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा साइकिल प्रोसेस में चलता है, एक अप साइकिल एक डाउन साइकिल में आपको देखने मिलेगा। मार्केट कैप की बात करें 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट जो कंपनी के ऊपर 1530 करोड़ का डेट है, प्रमोटर्स होल्डिंग 68%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, फ्री कैश फ्लो 393 करोड़ का है, रिजर्व सरप्लस 1149 करोड़ का है। तो हर देख सकते हैं हर स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन सारे के सारे स्टॉक स्मॉल कैप हैं। स्मॉल कैप में क्या दिक्कत होता है, यही मार्केट गिरेगा तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक क्रैश हो जाएगा। अगर आप हायर लेवल पर ट्रेप होते हैं, जैसे ये स्टॉक काफ़ी हायर लेवल पे है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे आंध्रा शुगर हो गया, आपको काफ़ी नीचे के लेवल पर मिल रहा है, तो जो स्टॉक अंडर वैल्यूड है अभी आप उसको ले सकते हैं, या इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आप प्ले कर सकते हैं, जैसे तेजी होता है तो तेजी में प्रॉफिट लिए बाहर आ गए। उसके बाद अगला है डालमिया भारत शुगर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, 400 इसका करेंट प्राइस है, 298% देख सकते हैं रैली कर चुका है वन ईयर में। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर का चार्ट भी तो काफ़ी बेहतरीन है, देखिए मैक्सिमम ईयर में कितना रैली कर चुका है, काफ़ी मतलब तेजी इस स्टॉक में देखने मिल रहा है। तो सारे के सारे स्टॉक है यहाँ पर देखिए 700% तक का रिटर्न एक साल में दे चुका है, अपने जो लो बनाया था 2020 में वहाँ से, और लॉन्ग टर्म में भी देख सकते हैं 2000% के आसपास रिटर्न है। तो सारे के सारे स्टॉक जो है काफ़ी रैली कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। और मार्केट कैप की बात करें 3283 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट कंपनी के ऊपर 1277 करोड़ का है, प्रमोटर्स होल्डिंग 74% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, फ्री कैश फ्लो निगेटिव है 17 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस 1500 करोड़ है। तो ये भी कंपनी हर पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा कैश फ्लो निगेटिव है तो इस पर ध्यान रखना है। ऐसे भी ये स्टॉक काफ़ी रैली कर चुका है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा पैनिक होना पड़ेगा, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ही प्ले कर सकते हैं, जो स्टॉक अंडर वैल्यूड है उसको आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये पांच बेहतरीन स्टॉक थे शुगर के, जिसमें अभी काफ़ी तेजी देखने मिला है, हो सकता है और ज़्यादा तेजी इसमें देखने मिले, तो आप प्ले करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करें, स्टॉप लॉस अपना एकदम रिस्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि गिरावट भी होगा मार्केट में, तो काफ़ी तेज गिरावट होगा इन सारे स्टॉक्स में, लेकिन सारे के सारे स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन है। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इन सारे स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जैसे तेजी आता है तो प्ले कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने।